बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को नूरसराय के लखीचक गांव में बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के तहत 37 लाख रुपए की लागत से बने 1 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की बैठक के बेहतर नतीजे निकलकर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी में घबराहट क्यों है। बीजेपी अपना कोई एक ऐसा काम बताएं कि जिससे ग्रामीणों को लाभ हुआ है। पीएम उम्मीदवारी को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही प्रधानमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। अभी इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पहले बीजेपी से भारत को मुक्त किया जाए। मंत्री श्रवण कुमार ने गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज सिंह इधर उधर की बातों को छोड़ अगर बिहार के बकाया मनरेगा और मजदूरों पैसा देने पर ध्यान दे तो बिहार का कुछ भला भी हो। उन्होंने कहा कि 2023 का साल खत्म होने वाला है, अभी गरीबों का 13 लाख आवास प्रतीक्षा सूची में है, इनका घर कब मिलेगा यह उनको बताना चाहिए। अब तो बैठक जब होगी तब ना पता चलेगा, बैठक के पहले क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। बैठक होगी बेहतर नतीजे निकलेंगे। इनको घबराहट किस बात की है, ये परेशानी में क्यों है, ये इनको दिक्कत क्या बुझा रहा है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग अभी गांव के लोगों को बात बताते हैं, गांव के लोगों को जानकारी देते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है वो, और उनका काम बताएंगे। सो एक काम भी ऐसा वो बताएं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। जेडीयू ने बैठक से पहले नीतीश कुमार को ही पीएम का सही चेहरा बताया है, मांग भी कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय होगा, और जब लोकसभा 2024 का चुनाव होगा और उसके परिणाम के बाद प्रधानमंत्री हो मंत्री तय किए जाएंगे। अभी एक ही लक्ष्य है हर पार्टी का, और हम लोगों के नेता और पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि पहले भाजपा से भारत को मुक्त किया जाए और उसके बाद कौन प्रधानमंत्री होगा ये तय किया जाए। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से, अरे भाई गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, अभी हमने आपको भाषण दिया यहाँ कि 3 साल से गरीबों के लिए एक आवास नहीं आया, 18-19 में एक भी लक्ष्य बिहार को नहीं मिला, और 22-23 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 23-24 में भी एक लक्ष्य अभी तक नहीं मिला, साल खत्म होने वाला है। तो दूसरा बात बोलने के लिए उनको समय है, इनसे पूछिए ना आप, पत्रकार लोग पूछे कि बिहार में ये गरीबों का घर कब मिलेगा, और 13 लाख प्रतीक्षा सूची में है, इनका घर कब मिलेगा ये उनको बताना चाहिए। मनरेगा में मटेरियल का 1500 करोड़ रुपया बकाया है, और कभी कभी तो मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल पाता है, तो अपना डिपार्टमेंट को देखें और इधर उधर की बात करने के बजाय गरीबों को हक दिलाने में लगे।